बंदिशों से निकला शनि शिंगणापुर मंदिर, 53 सालों में पहली बार ट्रस्ट की चेयरपर्सन बनी एक महिला। शबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, मंदिर प्रशासन से पूछा आखिर मंदिर में क्यों प्रवेश नहीं कर सकती महिलाएं। 8 जनवरी को अगली सुनवाई। शत्रु संपत्ति के संरक्षक होंगे अब उसके मालिक, अध्यादेश पर राष्ट्रपति की मुहर से राजा महमूदाबाद को झटका, करोड़ों की संपत्ति पर अब प्रशासन का कब्जा। आतंकवाद के खिलाफ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का सख्त बयान, कहा भारत को दर्द देने वालों को जवाब देना होगा तभी उन्हें समझ आएगा। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की मुसीबत और बढ़ी, सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी को पटियाला हाउस कोर्ट की मंजूरी, अलग अलग मंत्रालयों से हासिल कर सकेंगे दस्तावेज। पठानकोट आतंकी हमले में एसपी सलविंदर से एनआईए की पूछताछ जारी, सूत्रों के मुताबिक जांच में सहयोग न करने पर हो सकती है गिरफ्तारी, पॉलीग्राफ टेस्ट भी संभव। दिल्ली में 15 जनवरी तक रहेगा और इवन का चक्कर, हाईकोर्ट का रोक लगाने से इनकार, 15 जनवरी को अगली सुनवाई। मालदा से बैरंग लौटे बीजेपी सांसद, सरकार का आरोप आपराधिक घटना को बीजेपी दे रही है सांप्रदायिक रंग, बीजेपी बोली राष्ट्रपति से करेंगे शिकायत। ग्रेटर नोएडा में किसानों की बदहाली पर बीजेपी किसान मोर्चा का मंथन, 2 दिन की मीटिंग में आज शामिल हुए अमित शाह, कल राजनाथ करेंगे शिरकत।